हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ICMR का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जो कि पुणे में है, ये एक प्रोग्राम करवाता है MSc के लिए, जिसको हम लोग MSc वायरोलॉजी बोलते हैं। तो ये MSc वायरोलॉजी की डिग्री देता है ICMR का NIV, तो उसके रिलेटेड वीडियो आप बनाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट मुझे किन्हीं कारणों से इसके बारे में मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। बट रिसेंटली मैंने अभी अभी चेक किया, इसकी वेबसाइट को ब्राउज़ कर रहा था, तो मुझे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया। मैं इस समय आपको बता दूँ कि ICMR NIV की वेबसाइट के ऊपर ही है। तो ICMR की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट का लिंक है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा, और फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, ना सिर्फ MSc वायरोलॉजी बल्कि और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन वर्थ होगा, लास्ट तक आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पर दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपनी रीच बढ़ा सकते हैं और भी जो बाकी नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको जानकारी नहीं हो पाती है उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। MSc वायरोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड नोटिफिकेशन 2024 एंड सिलेबस ये दिया हुआ है। तो देखिए, क्योंकि ये NIV की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा, क्योंकि ICMR कोई अपने आप में यूनिवर्सिटी नहीं है कि वो कोई डिग्री दे सके आपको MSc की। तो ICMR ने क्या किया हुआ है, अपने इस प्रोग्राम के लिए एक कोलैबोरेशन कर रखा है। किस यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन कर रखा है, सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन कर रखा है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से कि जब आप MSc वायरोलॉजी में एडमिशन लेंगे और आपका कोर्स ख़त्म होगा तो आपको उसी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री मिलेगी यहाँ पे। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही उस PDF पे क्लिक, जैसे ही उस लिंक पे क्लिक किया था, यहाँ पे दो चार चीज़ें ओपन होकर के आ गई हैं। सबसे पहला नोटिफिकेशन फॉर MSc वायरोलॉजी ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम, दूसरा एलिजिबिलिटी एनेक्श्योर ए, तीसरा सिलेबस ऑफ MSc वायरोलॉजी एंड ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम, और लास्ट है किस लिंक पे आपको जाकर के अप्लाई करना है। अभी मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए। चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए सावित्री बाई फुले पुणे विद्यापीठ या सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी का नाम है जिससे इनका कोलैबोरेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे जो एडमिशन है सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी में, वो कई सारे कोर्सेज के लिए यहाँ पे एक साथ एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो अगर हम लोग देखें तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एंड इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, और इसके लिए ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि इस यूनिवर्सिटी में क्या केवल MSc वायरोलॉजी के प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है? तो बिल्कुल आपने सही समझा कि यहाँ पे मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें हाँ MSc वायरोलॉजी का भी प्रोग्राम एक है। तो अब देखिए कि यहाँ पे मेरिट लिस्ट के हिसाब से यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, उसी की मेरिट के हिसाब से आपको एडमिशन प्रोवाइड किया जाएगा। सिलेबस मैं भी आपको दिखा दूंगा। अब ये जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, ये 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। कुछ प्रोग्राम्स में हाँ ऐसा हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हों, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों से रिलेटेड जो भी बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए MCQ टाइप का ही एग्ज़ाम होगा। बाकी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर मैं ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करूं तो ये दो सेक्शन में होगा, एक होगा सेक्शन ए, दूसरा होगा सेक्शन बी। सेक्शन ए में GK, एप्टीट्यूड, लॉजिक, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी की सारी चीज़ें पूछी जाएंगी और ये सिर्फ 20 नंबर का होगा। वहीं सेक्शन बी की अगर बात की जाए तो यह 80 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। एग्जामिनेशन दोनों ही सेक्शंस का एक साथ होगा, ये मत समझिएगा कि एक एक दिन पे होगा, दूसरा दूसरे दिन पे होगा, ऐसा नहीं है, एक ही साथ होगा। और अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। अच्छा, मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो होगी वो दोनों सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों के स्कोर के ऊपर निर्धारित होगी,
इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि सिर्फ सेक्शन ए या सिर्फ सेक्शन बी के बेसिस पे, तो आपके दोनों ही सेक्शन काउंट करेंगे मेरिट बनाते समय। नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ऑनलाइन प्रोसेस है फॉर्म फिलिंग का, वो 20 अप्रैल से चालू हो चुका है। लास्ट डेट फिल करने की 10 मई है, तो यानी कि अभी भी आपके पास 5 दिन का समय है। टेंटेटिव शेड्यूल की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम, याद रखिएगा कि ये जो यूनिवर्सिटी का जितने भी एग्जामिनेशन इस यूनिवर्सिटी में होने वाले हैं, चाहे वो यूजी प्रोग्राम के लिए हो चाहे पीजी प्रोग्राम के लिए हो, दोनों की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। खैर, हमारे लिए अभी हम एमएससी वायरोलॉजी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा तो 14/6/2024 से 16/6/2024 के बीच में ये सारे के सारे प्रोग्राम होंगे। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑनलाइन जिसकी बात मैं बता रहा हूँ, 2 घंटे का होगा। इसके अलावा एडमिट कार्ड जो है वो आपको 5 दिन पहले एग्जामिनेशन के दिया जाएगा, और आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान भरते समय जो आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल किया होगा, वहाँ उसकी मदद से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, तो उसकी लिस्ट आप एनेक्योर ए में देख सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा। एमएससी वायरोलॉजी का जो प्रोग्राम है उसमें जो रिजर्वेशन चलेगा वो सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी के बेसिस पे होगा। अच्छा, मैं नीचे स्क्रॉल करता हुआ आता हूँ, और अब यहाँ पे देखिए जल्दी से कि कितनी कितनी फीस है। आप फॉर्म भरते समय फीस आपको यहाँ पे कुछ सबमिट करनी पड़ेगी, तो जो कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के हैं उनको 600 रुपये, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 400 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे। अब अगर आप मल्टीपल प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं तो सेपरेट फीस आपको हर कोर्स के लिए देनी पड़ेगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस ध्यान दीजिएगा कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नॉर्मली भी पड़ती है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ पड़ेगी। फोटोकॉपी मार्क्स स्टेटमेंट की, कास्ट सर्टिफिकेट की, अगर आप आपके पास कोई मतलब रिजर्व कैटेगरी महाराष्ट्र स्टेट की है तो उसको लगाना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आप इन केस फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आपको यह ध्यान रखना है, कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स टू द यूनिवर्सिटी। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको डिपार्टमेंट में नहीं भेजने हैं, हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। हालांकि आपके पास ये होना चाहिए, हार्ड कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका अगर एडमिशन हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट में तब सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक, यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई होगी। अब मैं देखता हूँ, नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी के अंडर में, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हो रहे हैं जो कि बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के कैंडिडेट्स के लिए यूजफुल हो सकते हैं। उन सभी की मैं बात करूंगा यहाँ पे, और एमएससी वायरोलॉजी के ऊपर मैं विशेष फोकस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करते जाइए, अगर आप जो कोर्स लाइफ साइंस के ब्रांचेस हैं जैसे एमएससी बॉटनी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इनटेक, यानी कि स्टूडेंट्स कितने लिए जाएंगे, 50 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। इसी तरीके से नीचे और स्क्रॉल करते हुए चले जाइए, अब देखिए एमटेक इन एनर्जी टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20+5 कैंडिडेट्स हैं। अब इसमें कुछ मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स, उसकी डिटेल्स आपको लेनी पड़ेगी। यहाँ पे आप बीई बीटेक किसी भी डिसिप्लिन के हों तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर एमएससी वगैरह है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज, यानी कि एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस करना चाहते हैं तो 32-32 इनटेक यहाँ पे है, और बीएससी इन एनी सब्जेक्ट, बीई बीटेक बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे स्क्रॉल करते जाइए तो एमएससी इन हेल्थ साइंसेज में अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी इन पब्लिक हेल्थ में अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे मॉडलिंग एंड स्टिमुलेशन में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन जिसके लिए मैं विशेष रूप से आज आपसे बात करना चाहता था वो ये है एमएससी इन वायरोलॉजी का कोर्स। ठीक है, ये कोर्स के बारे में मैं आपसे विशेष रूप से बात करना चाहता हूँ। तो ये आईसीएमआर के एनआईवी के थ्रू ये कोर्स हो रहा है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में ये कोर्स आता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे टोटल मिलाकर के 20 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ से ये पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है। बीएससी, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंसेज, लाइफ साइंसेज, माइक्रो बायो, जोलॉजी, बायो केम, एमएससी बीटेक इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी,
बी फार्म, एम फार्म, बी टेक इन बायोटेक्नोलॉजी, तो बी टेक, MSc, बी टेक, BSc, इन सबको अलाउ कर रखा है, और बहुत सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे एलिजिबल कर रखा है। एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, वो 60% है ओपन कैटेगरी के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए, और 55% रिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो ये बात अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। बाकी आप MSc जोलॉजी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, या और भी कोर्सेज आप देख सकते हैं इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो। बाकी यहाँ पे देखिए नीचे BSc के कोर्सेज चालू हो गए, खैर BSc में हम इतने इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं आपको पूरा स्क्रॉल करके नीचे दिखा दे रहा हूँ। बहरहाल आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में इंटरेस्टेड हैं। तो ये एनेक्जोर ए है, जैसा कि लिखा भी हुआ था, एनेक्जोर ए में आपके जितने भी कोर्सेज और उनसे रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। देखिए ये एनेक्जोर ए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज 2024-25 में इस यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने कोर्सेज हैं वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देखिए सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बातचीत करिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, वहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी दो सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में मेंटल एबिलिटी वगैरह पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, तो ये डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेक्शन बी का भी डिटेल में यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, बायोटेक, बॉटनी, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, ये सारी पूछी जाएगी। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड सेक्शन ए में 20, तो मार्क्स जो दिए जाएंगे 20 नंबर का होगा। सेक्शन बी में 80 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और टोटल मार्क्स भी यहाँ पे 80 होंगे, 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मार्क्स भी 80 होंगे, यानी कि पर क्वेश्चन 1 मार्क आपको दिया जाएगा। और गलती होगी तो यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। टोटल क्वेश्चन आपको करने का समय 2 घंटे का दिया जा रहा है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि आपको बायोटेक, बॉटनी, केमिस्ट्री, लाइफ केमिस्ट्री वगैरह भी आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एट्सेट्रा भी लगा रखा है, यानी कि मल्टीपल एरिया से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। डिटेल में अगर आप देखें तो केमिस्ट्री का कोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, मॉलिक्यूल का यहाँ पे, सेल बायो का, बायो केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट साइंस, इकोलॉजी, ये सारे का सारा एरिया दिया हुआ है। और खासकर यहाँ पे आपको याद रखना है वायरोलॉजी के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि MSc वायरोलॉजी का प्रोग्राम है। चलिए, तो मैंने आपको ये सारी बातें बताई। तो देखिए नोटिफिकेशन यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया आपको, एनेक्श्योर ए का बारे में मैंने आपको बता दिया, सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया, और लास्ट में ये बात और देखनी है कि आप कैसे इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये वो पेज है, पहले आप रजिस्टर करिए यहाँ पे। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉग इन करना पड़ेगा और तभी जा करके आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। एक बात बहुत अच्छे तौर पर याद कर या समझ लीजिएगा कि फॉर्म को ज़रूर ठीक से भरिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे फॉर्म के करेक्शन के लिए आपको समय मिलने वाला है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप ये PG सेक्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।